तो दोस्तों इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फेसबुक को लॉगिन कर लेना है। एंड गाइस मैंने यहाँ पे फेसबुक को लॉगिन करके रखा हूँ, मैं अपना सेकंड आईडी को यहाँ पे ओपन किया हूँ। आपको सबसे पहला फेसबुक को लॉगिन कर लेना, तभी आप इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस यहां पे आपको करना है क्या, आपको बैक आ जाना है, फिर इसके आगे आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे जानी है। मैं यहां पे अपना सेकंड आईडी को ओपन किया हूं। फिर उसके बाद ऊपर में थ्री लाइन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जानी है और यहाँ पे आपको सोहरा अकाउंट सेंटर, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको तीन सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, पहला सेटअप अकाउंट सेंटर, फिर इसके बाद स्टोरी एंड पोस्ट शेयरिंग, और इसके बाद लॉगिन विद अकाउंट। ये दोनों सेटिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं अकाउंट को सेटअप कर लेता हूँ। एंड गाइस मैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आगे क्या करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फेसबुक आईडी यहाँ पे सो हो रहा है। एंड गाइस इसके आगे आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे यस फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करनी है, आपको कुछ सेकंड वेट करना है और यहाँ पे आपको शो हो जाएगी फेसबुक आईडी, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। फिर आगे आपको सेकंड सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि उसको आपको कैसे इनेबल करनी है। तो दोस्तों कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको यहां पे आनी है और यहां पे आपको स्टोरी एंड पोस्ट शेयरिंग को ओपन करना है, सेकंड सेटिंग को। एंड गाइस इसे ऑन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आपको दोनों सेटिंग को ऑन कर देना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी इंस्टाग्राम पे कोई सा भी पोस्ट या फिर कोई सा भी स्टोरी पोस्ट करते हो तो वह ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी शेयर हो जाएगी। तो दोस्त मैं यहाँ पे कर लिया। फिर उसके बाद आपको यह थर्ड वाले सेटिंग को नहीं छेड़ना है, आपको इसको क्लिक नहीं करना है, इस पर किसी भी सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, फिर उसके बाद में बताऊँगा कि आपको। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि यह स्टोरी ऑटोमेटिकली फेसबुक पे शेयर होता है या फिर नहीं होता। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई सा भी स्टोरी को पोस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और इसको बाद में यहाँ पे करूँगा इसको क्लिक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी फेसबुक, चाहो तो यहाँ पे बंद भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे बंद नहीं करूँगा। एंड गाइस इसे मैं शेयर कर देता हूँ। शेयर करने के बाद आपको डन पे क्लिक करनी है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि स्टोरी लग गई है। फिर उसके बाद में कोई सा भी मैं एक पोस्ट को भी कर लेता हूं और आपको मैं दिखाऊंगा कि यह फेसबुक पे ऑटोमेटिकली अपलोड होती है या फिर नहीं होता है। तो दोस्त मैं यहां पे इसको इस पर क्लिक करता हूं। फिर उसके बाद यह पोस्ट हो चुकी है और इसके बाद मैं फेसबुक पे जाता हूं और वहां पे चेक कर लेता हूं कि यह फेसबुक पे अपलोड हुआ है या नहीं। तो दोस्तों फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपने आईडी को रिफ्रेश कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरी लग गई है। एंड गाइस यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टोरी ऑटोमेटिकली लग गई है। तो दोस्तों पोस्ट को भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट भी हो चुकी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।